नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं, लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को ये नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और आपको क्या करने से बचना चाहिए, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को आमतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी सुहागिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए कि इस दिन काले या फिर उजले रंग के कपड़े नहीं पहने। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़ों का ही पहनना शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग और पीले रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और सज धज कर रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए। इस दिन सुहागिनों को लहड़ी पहनने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। इसे पहनने से पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख भी मिलता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को आमतौर पर महिलाओं के द्वारा अपने पति के लिए समर्पित रूप में किया जाता है। इस दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे लहड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को कचरे के डिब्बे में भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में, नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे और अपने सुहाग की कामना भी करें। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई आदि ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी होता है, इसीलिए आप इस दिन कैंची का प्रयोग भी ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश आदि नहीं खेलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए व दिन में सोना भी नहीं चाहिए। इन सभी कामों से अगर आप बचते हैं तो आपको सुफल की प्राप्ति होती है। आप यदि चाहें तो इस दिन सतियों की कथा सुन सकते हैं, वह पौराणिक कथा सुन और पढ़ सकते हैं, या फिर कीर्तन भजन का आयोजन करें। इससे आपका एक और समय भी कट जाएगा, दूसरी ओर शुभ संयोग बनने की वजह से आपके दिन में चार चांद लगेंगे। इस दिन मांस, मछली, अंडा आदि का अपने भोजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। यह करवा चौथ पर नियम केवल पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि पति के लिए भी है। इन सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि करवा चौथ व्रत और पूजा का फल आपको संपूर्ण मिले, तो उस दिन भूलकर भी उजले, भूरे या फिर काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी आदमी को दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र आदि दान में बिल्कुल भी नहीं दें। वैसे तो सभी दिन अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए, लेकिन खास करके करवा चौथ के दिन अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में अपने मन में तनिक भी बुरा ख्याल ना लाए। साथ ही किसी अन्य सुहागिन स्त्री के बारे में भला बुरा आदि बिल्कुल भी ना बोले। दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दफ्तर आदि में काम करने के लिए जाती है, इन्हें कामकाजी महिला कहा जाता है। ऐसे में अगर आप कामकाजी महिला है और आपको इस दिन छुट्टी नहीं है, तो ऐसे में आप इस व्रत का निर्वाह किस प्रकार से करेंगे, वह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सभी सामान एक या दो दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए और इस सामान में अपनी सास को देने वाला सामान भी सम्मिलित करें। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व किया जाता है, इसलिए अगर आप ऑफिस में काम करती हैं तो आपको करवा चौथ के दो दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना चाहती हैं, तो आप अपने सर्गी को करवा चौथ के एक दिन पहले ही रात्रि को ही बनाकर रख लें। इसे सुबह उठकर सिर्फ उसे गर्म करके खाया जा सकता है। ऐसे करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आप अपने काम पर जाने के लिए लेट होंगी। सर्गी में तला, चिकना और ज्यादा मीठा ना खाएं।
क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगती है और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती हैं, इसलिए इन चीजों का सेवन करने से बिल्कुल ही बचें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से एक नारियल तुड़वाकर उसका जल अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हैं उसे एक दिन पहले ही निकाल करके निश्चित कर लें, जिससे करवा चौथ के दिन आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सके। करवा चौथ के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए करवा चौथ के दिन आप अपने ऑफिस में थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रृंगार कर लें और शाम को अपने घर पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में की जाने वाली पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती हैं, तो अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर के साफ वस्त्र अवश्य धारण करें और करवा चौथ की पूजा अवश्य करें। अगर आप अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजन के लिए खाना बना सके तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन दो पूड़ी और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा करें। इसके बाद आप चाहें बाहर जाकर खा सकते हैं या फिर बाहर से कुछ खाने पीने का सामान मंगवा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में जाते धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।